तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि हाउ डू वी फॉर्म नंपी एरेज एंड अ बिट ऑफ शेप साइज रीशेप आइटम साइज एंड द बेसिक एट्रीब्यूट्स वी हैव गॉन थ्रू एंड ऑल्सो वी हैव लुक लाइक इफ वी रीशेप एनी नंपी एरे विद अ नेगेटिव वैल्यू व्हाट इट रिजल्ट्स अ सिंगल डायमेंशन है ना. रीशेप करते हैं किसी भी नेगेटिव एरे का तो हमको एक सिंगल डायमेंशन एरे फॉर्म होता है. फॉर एग्जांपल ए आर आर एन पी डॉट एन एरे लेट्स से इफ एरे इज हैविंग वैल्यू ऑफ 0, 1, 2, 3 ठीक है. अच्छा इसको डबल डायमेंशन कर लेते हैं. One, two, three. Four, five, six. Okay. So, कितने डायमेंशन का है टू राइट. सो अगर इसको रीशेप करें विथ द नेगेटिव वन व्हाट इट विल रिजल्ट यू एन एरे ऑफ सिंगल डायमेंशन विथ 122 या सर कुछ स्टूडेंट्स लॉबी में है ऐड कर दीजिए. अच्छा एक मिनट या या थैंक यू सर. थैंक यू फॉर कमिंग. ओके तो 122 3 4 45 सॉरी 55 एंड 6 ये रीशेप का है इजी राइट. एंड जीरो डायमेंशन के लिए लास्ट क्लास शायद जिन्होंने अटेंड नहीं किया भी किया हो तो रीशेप अगर जीरो डायमेंशन बनाना हो तो क्या करते थे. एनीवन क्विक जीरो डायमेंशन कैसे क्रिएट करेंगे. एनपी डॉट एरे देन वन जस्ट से क्विक जीरो डायमेंशन कैसे क्रिएट करते. अच्छा हाउ डू वी आइडेंटिफाई डायमेंशंस कैसे डायमेंशन आइडेंटिफाई करते. फंक्शंस तो पढ़ ही दिए थे याद है भूल गए सब. अच्छा क्विक रिवाइज कराना पड़ेगा क्या. चलो नंबर ऑफ टोटल ब्रैकेट्स इज इक्वल टू डायमेंशंस नंबर ऑफ लेस ब्रैकेट्स या हाँ स्टार्टिंग एंड दी एंडिंग लेस ब्रैकेट्स को हम क्या कहते थे नंबर ऑफ डायमेंशंस ठीक है. आइडेंटिफाई करने का फंक्शन क्या था नंबर ऑफ डायमेंशंस एंडिम देन डिफाइन करने होते थे मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस देन एंडिम इन. साइज के लिए वी हैड कंप्लीट एलिमेंट चेक करने होते. एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ सिर्फ फंक्शन लिख रहा हूँ ठीक है. साइज से यू वुड आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. आइटम साइज विल टेल यू इंडिविजुअल साइज ऑफ द एलिमेंट इन द कंप्लीट एरे. उसके बाद शेप आपको रोज एंड कॉलम्स डिफाइन करता था फिर आप रीशेप कर सकते थे उन्हीं को मैट्रिक्स को रीशेप किया जा सकता है ठीक है. उसके बाद आइटम साइज वी हैव क्लियर्ड एंड देन या देन यू हैव डेटा टाइप जो कि हमने पढ़ लिया है कि डेटा टाइप बी टाइप से यू कैन डिफाइन कॉम्प्लेक्स ऑफ एनी सच बिट्स जो भी आपको चाहिए है ना. तो वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस ये सारी क्लियर है ना. अगर मुझे चाहिए एक जीरो डायमेंशन तो उसके लिए क्या है अभी किसी ने कहा कि लिस्ट ब्रैकेट्स होने चाहिए तो लिस्ट ब्रैकेट्स नहीं रखेंगे तो डायमेंशन होगा नहीं होगा. तो जीरो डायमेंशन आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो सरिता फाइव डॉट एंडिम अब सॉरी एंडिम जीरो क्लियर है. आगे बढ़े ओके. नाउ इन नंपाई वी हैव रेड रैंडम मॉड्यूल टू. अगर आपको याद हो प्रीवियसली जब हम पाइथन पढ़ते थे तो वी हैव यूज्ड रैंडम फंक्शन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स राइट. एंड विद दैट रैंडम आई हैव यूज्ड समवेयर एनपी डॉट रैंडम समटाइम्स एनपी डॉट अरेंज. सो रैंडम्स रेंज हेयर और यू कैन से अरेज रेंज हेयर वर्क एज अरेंज वी से अरेंज यस ठीक है. अरेज का रेंज को बोलते हैं अरेंज. तो एन पी डॉट एंड अरेंज इज वेरी सिमिलर टू द वर्किंग ऑफ रेंज फंक्शन. अभी आपने लिखा रेंज ऑफ 10 तो नंबर्स कितने हो गए 0 to 9. सो एन पी डॉट अरेंज इज एरे ऑफ 0 to 9 नंपाई एरे ऑफ 0 to 9 सिंपल है नथिंग एल्स. आपने लिख दिया 10 तो इट्स 0 to 9 क्लियर है. अभी रेंज फंक्शंस में यू हैव अ स्टार्टेड
and then stop and then a delimiter, or you can say a limit, है ना, जिसके आप intervals के accordingly आपके numbers print होते थे. The same would work here too, but a quick response would be getting here. Like the difference is only if you write range of 10, you will get range of 0 to 10, the output as. But if you write np dot of a range of 10, you can see what the output is here. Okay, that's the difference. So if you want to print the range, so you have to write list of range of 10. Understood, right? Very simple things are there. Okay. Now np dot arrange function, arrange of, let's say from 10 to 100 I am going, and with the intervals of 10. Okay, just a minute. We'll go 101 with the intervals of 10. So it would be 10, 20, 30, 40, 50, 60, and like this. Okay, fine, very easy. So with this, okay, the unique function, I think you all are clear with that. Unique, we will not go through because we have done this in the codes when we were making codes and when we were making words. Hai na? Ye yaad hoga sabko, np.unique. Remember? Right, x, y, z, identify karte the kitne common elements hai, common indices hai. Okay. Ek baar aap go through kar lena. Theek hai? चलो जस्ट अ मिनट. तो कॉन्कैटिनेशन हमने पढ़ा है स्ट्रिंग में, राइट? सेम कॉन्कैटिनेशन इज देयर इन नंपाई. कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्कैटिनेशन? जॉइनिंग. जॉइनिंग, राइट. सो लेट्स से एक्स इज माय वन ऑफ द एरे np डॉट एन एरे ऑफ और या लेट बी एरे, आई विल टेक टू डायमेंशन एरे 1 2 3 4 5 6. तो x is an array, np dot array 1 2 3 4 5 6. सेम y को भी क्रिएट कर लेते हैं. लेट इट बी 1 1 2 2 3 3. अभी इसको रहने देते हैं. अभी यू टेल मी इफ आई वांट टू कॉन्कैटिनेट, एक सिंगल एरे फॉर्म करना है जिसमें एक्स और वाई के वैल्यूज होंगे, तो हाउ वुड आई राइट एक्स प्लस वाई? ऐसा. इज दिस द आंसर? एक्स प्लस वाई अगर लिख दिया तो आंसर सही आया ना? देखो तो चेक करके, आंसर सही है. तो हमें इनको ऐड करना था या फिर इनके एलिमेंट्स को मर्ज करना था? हाँ, तो कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? ऐड करते हैं कि मर्ज करते हैं या जॉइन करते हैं? तो ये आंसर जो हमको मिला ये गलत होगा ना? यस सर. है ना, तो व्हाट वी नीड इज वी नीड टू कॉन्कैटिनेट. तो करते हैं कॉन्कैटिनेट. np डॉट कॉन्कैटिनेट concatenate
सिर्फ याद रखना है कि कॉन्कैटिनेट में हम ऐसा एक्स एंड वाई नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि इट टेक्स ओनली वन पैरामीटर, तो आपको एक और टपल क्रिएट करना होगा इसके अंदर, देन यू कैन राइट एक्स एंड वाई. ठीक है, तो आपने देखा क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6. अच्छा, ये x को अगर आप प्रिंट करोगे तो x कैसा प्रिंट होगा आपके पास, 1 2 3 4 5 6 ऑब्वियसली. ठीक है, y भी 11 22 33 44 55 66. तो अभी आप देखो x एंड y एज इट इज वहां पे प्रिंट हो गया, नथिंग इज डन एनीथिंग मोर, राइट, ओनली इट इज प्रिंटेड. सो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, कॉलम वाइज. ओके, अभी आपको रो चाहिए तो यू नीड टू डिफाइन एक्सिस है. ओके, चलो देखते हैं, एनपी डॉट कॉन्कैटिनेट एक्स एंड वाई एंड एक्सिस ले लिए वन. तो अभी आपको क्या देखा कि एक्सिस वन एंड जीरो स्टैंड्स फॉर द रो एंड कॉलम, सो बाय डिफॉल्ट ऑलवेज यू विल गेट आंसर्स इन द कॉलम. ठीक है, अभी आपने रो कर दिया तो क्या हो गया, 1 2 3 फर्स्ट एरे का फर्स्ट रो एंड देन सेकेंड एरे का फर्स्ट रो इज देन कंबाइंड. ओके, अंडरस्टैंडिंग है? ठीक है, क्लियर है सबको कि नहीं, कोई डाउट है? देखो एक्सेस जीरो लिखोगे आप, एक्सेस जीरो लिखोगे, इफ यू राइट एक्सेस जीरो यू विल गेट द सेम आउटपुट एज द प्रीवियस वन. सो बाय डिफॉल्ट इट वर्क्स विद द कॉलम वाइज इटरेशंस एंड इफ यू राइट एक्सेस इक्वल्स टू वन यू विल गेट इन द रो वाइज. क्लियर है क्या इतना सबको, कोई डाउट है क्या उस पर? नहीं होना चाहिए, है ना? डाउट है, जल्दी बोलो यस नो. नो सर. इसके बाद वी हैव सिमिलर लाइक टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स जो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे उसको, है ना? आपने पढ़ा होगा नल मैट्रिक्स, वन मैट्रिक्स, है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा. तो बस उन्हीं मैट्रिक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जैसे आपने पढ़ा नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स में क्या होता है, एवरी एलिमेंट इज जीरो, है ना? तो वी कैन जस्ट राइट एनपी डॉट जीरोस. अभी जीरोस ऑफ, देखो मैट्रिक्स में यू हैव रोज एंड कॉलम्स, आप कैसे डिफाइन करते थे, 2 × 3 मींस 2 rows 3 columns. अभी एनपी डॉट जीरोस यू वांट टू क्रिएट एंड जीरो ऑफ व्हाट साइज, लेट्स से 5. इफ यू आर राइटिंग 5 देन यू विल गेट कंप्लीटली 5 जीरोस. क्लियर है इतना, है ना? तो इसको साइज कैसे देंगे, लेट्स से कि इफ इट इज 10, है ना? अभी इफ यू वांट टू मेक इट इन 2 × 5 कैसे करेंगे इसको, जल्दी बताओ कुछ भी, एक छोटा सा फंक्शन है, व्हाट यू विल यूज? एक सिंगल डायमेंशन एरे है ना, आउटपुट देखो क्या आ रहा है आपके पास, आउटपुट है सिंगल डायमेंशन एरे. व्हाट यू वांट कि इसको, आपको मैंने बता दिया 2 × 5 करना है, रीशेप करेंगे सिर्फ, नथिंग एल्स, है ना? शेपिंग जब भी होगा यू यूज रीशेप, सिंपल सा हो गया 2 × 5 का एक एरे फॉर्म. ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, तो इसी के साथ once matrix if we go, the same working is there, one matrix, once of, well, let's say 4, so 1 1 1 1 like this. Okay, and by default always it is in the float, always. Now let's say identity matrix, if we focus identity matrix, you know, like if we write 3, identity matrix of 3, that means 3 1 will be there, 3 cross 3 would be there, right? np dot i, that is called as identity matrix. Okay, and f of I write 5, so 1 2 3 4 5 1, and rest all will be the 0. So iske aage ke functions bhi hai, we'll go
लेटर ऑनवर्ड्स ऑन दोस थिंग्स. ओके चलो इतना तो क्लियर है ना तीनों, जीरो वंस एंड आई इज क्लियर टू एवरीवन. एनी डाउट्स देयर? नथिंग हियर. वी डोंट नीड टू रीशेप बिकॉज़ हियर द वन इज ओनली द नंबर ऑफ वन वुड बी देयर एज यू राइट हियर इन द टपल. ठीक है, आप इस पैरामीटर के अंदर जो भी लिख रहे हो उतने नंबर ऑफ वंस होंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, कोई डाउट है? नाइस. नेक्स्ट इज लिनस्पेस. अच्छा, इन क्लास 6, 7, 8, 8 प्रोबेबली इन 8 यू माइट हैव सीन दैट आपको मिला होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बिटवीन में आपको 5 लाइक फाइंड सम नंबर्स बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5. सच ये हो गया ना? जस्ट अ मिनट. ऐसा दिया होगा कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बीच में कुछ नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं या कुछ नंबर्स निकालने हैं. तो कैसे निकालते थे? एनीवन हु रिमेंबर? दो बिटवीन टू नंबर्स इफ यू वांट टू नो फाइंड सम नंबर्स कैसे निकालेंगे? एंड दैट टू विद इक्वल स्पेसिंग्स. सब के बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए. तो दैट पर्टिकुलर टॉपिक और द टर्म आई थिंक इज कॉल्ड एज दिस, राइट? पढ़ा होगा सबने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. वो छोटा सा फॉर्मूला था राइट, ये याद होगा आप लोगों को. याद है? कुछ पैरामीटर्स होते हैं. क्या पैरामीटर्स होते हैं? स्टार्ट, स्टॉप, नंबर ऑफ सैंपल्स आपको जितने चाहिए, एंड पॉइंट and red step. चलो सबको एक एक करके देख लेते हैं. इट इज रेड स्टेप. ओके, स्टार्टिंग के दो तो आई थिंक इज वेरी इजी है ना. स्टार्ट और स्टॉप मतलब स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स होंगे जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, जहां से आप स्टॉप कर रहे हो. नम इज द नंबर ऑफ सैंपल्स जो आपको चाहिए, बाय डिफॉल्ट 50 होता है. ठीक है, तो लेट्स सी. If I write np dot linspace, tab क्यों काम नहीं कर रहा? Okay. Let me see another side. Just a moment. Okay. Np dot linspace. If I take 10 and 11. तो 10 एंड 11 के बिटवीन में मुझे कुछ नंबर्स चाहिए. आई रन, आई विल गेट 50 नंबर्स. सी, बाय डिफॉल्ट 50 नंबर्स यू विल गेट. एंड ये सारे नंबर्स के बीच में जो स्पेस है 10, 10.02, 408, 816, दे पर्टिकुलरली सेम स्पेस हर नंबर के बिटवीन में. ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको? आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव रेड स्टेप. रिटर्न द स्टेपिंग वैल्यू और रिटर्न द You can say interval value. ठीक है, ये रेड स्टेप को आप क्या बोलोगे यहाँ पे? D, कॉमन डिफरेंस.
है ना सर? स्टार्टिंग आपका ए हो गया एंड देन इट्स लाइक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस, आपको पता ही है ना? सिर्फ ये आपका डी हो गया, ये आपका ए हो गया, देन यू कैन आइडेंटिफाई एवरीथिंग। एंड पॉइंट है जो कि लास्ट नंबर होता है, तो 11 इज द एंड पॉइंट। अगर आपको एंड पॉइंट नहीं चाहिए, जो भी आपने लिखा है 11, इफ यू डोंट वांट दैट टू बी पर्टिकुलर योर एंड पॉइंट, यू कैन राइट इट फॉल्स। कैसे? लेट्स सी। तो इफ आई राइट एनपी डॉट लिन स्पेस मैंने लिख दिया 10 टू 20, ठीक है, या 10 टू 11 ही रहने दो, मैंने लिखा एंड पॉइंट फॉल्स। तो एंड पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, दैट मींस 11 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। 11 को हटा के फिर पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में इक्वल गैपिंग के थ्रू आपको वैल्यूज मिलेंगे, लेकिन 11 नहीं होगा लास्ट नंबर। तो कुछ ऐसा नंबर होगा जिसके बीच में नेक्स्ट डिफरेंस निकालेंगे तो 11 आएगा। तो 0.2 के गैप से चल रहे हैं, है ना? आप अगर ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा 0.2 के इंटरवल पे चल रहा है। तो 10.9898 प्लस 0.2 करेंगे तो आपको 11 मिलेगा, लेकिन एंड पॉइंट वी डोंट रिक्वायर दैट। क्लियर है? हाँ। नाइस। चलो इसके साथ इफ वी राइट नम इक्वल्स टू 10, तो अभी क्या होगा? नंबर ऑफ सैंपल्स या जो भी आउटपुट हमको मिल रहा है दैट इज 50, सो वी रिक्वायर ओनली 10। विल रन दिस, विल गेट ओनली 10। नाउ यू सी 10.1, 0.2, 0.3, 0.4, अभी आपको जितने सैंपल्स चाहिए उसके अकॉर्डिंगली स्पेसेस या उसके अकॉर्डिंगली कॉमन डिफरेंस जनरेट होगा। क्लियर है? चलो आई थिंक इतना तो क्लियर होगा। इसके बाद एंड पॉइंट के बाद यू हैव रेड स्टेप, ठीक है? तो व्हाट इज द स्टेपिंग वैल्यू देन? तो रेड स्टेप इक्वल्स टू ट्रू, तो 0.1 का गैप चल रहा है, ठीक है? तो इसकी जगह इफ यू राइट 20, तो 10 से 20 के बीच में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1.0 का रिटर्निंग स्टेपिंग वैल्यू है इफ यू गो विथ द इक्वल स्पेसिंग। ओके, क्लियर है ना सबको लेंथ स्पेस? दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, इफ यू सी दैट समटाइम्स जैसा कि आपको दिख रहा है वैल्यू सारे फ्लोट पे आते हैं ना, तो इफ यू वांट टू यू नो मेक सम आउटपुट्स अ बिट इंटरेस्टिंग, व्हाट यू कैन डू इज सामने वाले को नहीं समझाना है एकदम क्लियरली, है ना? जैसे कि समटाइम्स आई डू दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो लेट्स से दैट ये एरे के साथ इफ आई राइट डी टाइप इक्वल्स टू, सिर्फ आउटपुट आपको दिया जाए अगर, ऐसा लिख दें एनपी डॉट इंटीजर ऑफ 32 बिट्स, तो अभी आउटपुट आपको क्या दिखा? कंप्लीट 10, लास्ट में 11। कंफ्यूज होंगे? तो लेंथ स्पेस चल रहा है 10 टू 11, आउटपुट आ रहा है लास्ट में 11, सिर्फ ऐसा। तो ओनली इफ यू सी द आउटपुट, इस तरह का भी अगर आपको आउटपुट दिखे तो इट इज प्रोबेबली इट कुड बी ओनली ऑफ टू टाइप्स, है ना? सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो यूजर ने क्या किया होगा, जितने भी आपको नंबर ऑफ सैंपल्स दिख रहे हैं 50 सैंपल्स दिख रहे, तो 49 बार 10 डाला होगा, एक बार 11 डाला होगा, तो क्या परसेंटेज होगा? याद करो वी हैव ऑल्सो डन रैंडम फंक्शन, रैंडम डॉट चॉइस, किसी को याद है क्या? एरे अगर डाल दिए 10 एंड 11, पॉसिबिलिटीज कैसे देते थे? क्या रहता था हमारा ये प्रोबेबिलिटीज 0.9, 0.1, साइज इक्वल्स 50, रन।
तो अभी भी यू हैव 1, 2, 3, 4, 5 अराउंड, और भी माइनर आप दे सकते हैं इसको 0.99। ठीक है, वो आएगा क्या, लेट्स सी इफ वी मेक इट लाइक दिस। तो माइनली एक भी 11 नहीं आया क्या? ओके, एक कम करते हैं, लेट्स सी वन सपोर्ट, वन शुड कम, नो नहीं आ रहा, एक कम कर देते हैं। एक माइनर फ्रैक्शंस में इफ यू रन यू विल गेट वन, स्टिल नॉट। ओके, 0.3 प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गया, राइट पे करते हैं। हाँ, अभी आया 1, 2, 11 आया, चलो ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि किस तरह से आउटपुट, सिर्फ आउटपुट आएंगे तो भी आपको पता होना चाहिए कि पॉसिबिलिटीज क्या है। एक तो ये पॉसिबिलिटी हुआ, दूसरा लिन स्पेस हो सकता है, क्योंकि लिन स्पेस पे अगर आप डेटा टाइप चेंज कर दोगे, तो अगर आप चेंज नहीं करते हो डेटा टाइप, तो ऑब्वियसली जो आउटपुट्स आ रहे हैं दैट इज टोटली करेक्ट, है ना। ये सारे आउटपुट्स थे, आपने डेटा टाइप चेंज किया तो क्या हो गया, सारे के सारे इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, एंड देयर इज नो डिफरेंस देयर। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट? सर ये तो क्लियर है, एक बार आप नम समझा दो, स्पेस में हमने नम क्यों यूज किया है कहाँ पे, ये नम, ये ओके okay. ये देखो, यहाँ बाय डिफॉल्ट अगर मैंने नाम नहीं लिखा तो कितने आउटपुट्स आ रहे हैं, 50, ठीक है, कंप्लीट 50 आउटपुट्स है। अगर आप चेक करोगे डॉट साइज तो कितना है, 50, ठीक है। चलो ओके सर, समझ आ गया। यहाँ पे आपने 10 दिया तो 10 आ गया। हाँ ओके सर। हाँ, जैसे हमने int यूज किया तो सारे 10 10 10 आ गए, अगर हम लोग स्ट्रिंग यूज करते तो? स्ट्रिंग के लिए क्या डालोगे आप, यूनिकोड डालोगे ना, तो उस पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा यूनिकोड डालोगे। नंपाई में यूनिकोड के वेरियस टाइप्स हैं, तो आप उस पर डील करो। नंपाई में अगर आपको कन्वर्जन करना है तो इट्स बेटर आप कम्प्लेक्स, फ्लोट, इंटीजर इसमें कंप्लोट करो, या तो आप सीधा np.nan लिख दो। कुछ नहीं करना है तो नल बना दो उसको, नॉट अ नंबर, इसका कोई टाइप नहीं होता है। अच्छा ओके ओके okay. इसको डेटा फ्रेम में भी पढ़ेंगे, इसका कोई टाइप नहीं होता, इसको काउंट भी नहीं करते। चलो अभी देखो, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग याद होगी आपको, तो थोड़ा सा अभी इंडेक्सिंग करने वाला है ना, और कंफ्यूजिंग होने वाला थोड़ा। तो इंडेक्सिंग में लेट से ध्यान से देखना ना, इंडेक्सिंग को थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, जूम कर देता हूँ प्रॉब्लम ना हो तो। अब मुझे बताओ, जेड तो इट इज क्लियर, वेरी इजी, 10, 12, 20, 14, 30, 16 है, ठीक है। वाई में क्या है, वाई है 10, 14 एंड 30, जो कि जेड का 0, 1, 2, 0, 1, 0। अभी इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या मिल रहा है वाई पे, 10, 14 एंड 30, मतलब कौन कौन से एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट्स, हाँ नहीं, अराउंड 14, 30। तो उसको कैसे निकालेंगे, सब सिर्फ सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स नहीं है, हाँ एक सेकंड वाला है, हाँ। तो लाइक जेड ऑफ, पहले कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जीरो ऑफ जीरो, तो इस जेड का जीरो क्या है, ये फर्स्ट वाला है ना, 10 एंड 12, ये इसका जीरो है, तो इस जीरो का जीरो क्या आएगा आपका, 10, क्लियर है, तो ये 10 यहाँ पर आया। सेकंड क्या है, वन ऑफ वन,
तो क्या करेंगे, वन कौन सा है इसमें, ये है, तो वन का वन क्या होगा, 14, क्लियर है, ये अगर वन है इसका जीरो ये होगा, वन ये होगा, एंड देन क्या है आपका टू ऑफ जीरो, तो टू ये है और इसका जीरो क्या है 13, तो हो गया 10, 14, 30, क्लियर हुआ, किसी को डाउट? डाउट है क्या? नहीं है ना, क्लियर, चलो लेट्स से मैंने रखा रोज, अब मैं कुछ रोज डिफाइन करूंगा, डबल डायमेंशन कर लेते हैं, कॉलम्स भी रख लेते हैं, चलो आर एन सी डिफाइन हो गया ना, इसको क्या हो गया, हाँ आर एन सी डिफाइन हो गया, एन पी डॉट एरे 0033 और आर है आपका रोज, सी है कॉलम्स, ठीक है। अभी एक्स डिफाइन करते हैं, एक एरे एंड इंडेक्सिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू रोज एंड कॉलम्स जो भी हमने डाला है, ठीक है, सिंपल सा है। एक डबल डायमेंशन ले लेता हूँ, इसको क्लियर है इतना, है ना, एक्स एक्स स्मॉल सा क्रिएट हो गया। अब आउटपुट आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करोगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, एक्स ऑफ आर एंड सी लिख दिया, वाई इक्वल्स टू एक्स ऑफ आर एंड सी, नाउ यू ओनली आइडेंटिफाई कि वाई आपको क्लियर हो रहा है या नहीं, 0 to 10, 12, पहले खुद से आइडेंटिफाई कर लो आप, हो रहा है क्या आइडेंटिफाई किसी को, ट्राई करो, नो सर, ट्राई करो, ट्राई करो, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बस ट्राई करो, हो जाएगा, इंडेक्सिंग समझना इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली, डेटा फ्रेम्स में फिर प्रॉब्लम होगा नहीं। सर ये आर का जीरो ले रहा है फिर सी का जीरो ले रहा है, फिर आर का जीरो सी का टू, इस तरह से कर रही है। हाँ, क्या कहा आपने, अच्छा आर एन सी जो है, आर एन सी को अगर हम चेक करें तो आर एन सी कैसा आ रहा है, 0 3 0 0 3 3 0 2 0 2, है ना, चलो तो एक्स आपका क्या आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 11 12, वो भी आपका डबल डायमेंशन है, तो 0 0 3 3, किसने आपने क्या कहा कि आर का जीरो ले रहा है, हाँ पहले आर का जीरो एंड देन उसके साथ में सी का जीरो, तो वैल्यू जीरो आ गई, सी का जीरो, तो जीरो आ गई, ठीक है, आगे देन फिर ये वापस आर का जीरो एंड सी का टू ले रहा है, तो वैल्यू टू आ गई, आर का जीरो सी का टू, अच्छा ठीक है,
फिर ये थ्री का आर का थ्री ले रहा है, सी का जीरो ले रहा है, तो जीरो वैल्यू वन टेन टू आ गई। थ्री, थ्री का जीरो टेन, एंड देन ये थ्री का टू ले रहा है, थर्ड थ्री का टू ले, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, जीरो वन टू। क्लियर। किसने बोला ये आंसर? समीक्षा है क्या? यस सर। गुड। अच्छा समझ में आया क्या सबको? क्लियर हुआ कि नहीं? अभी 0002 3032 क्लियर है कि डाउट्स है? देखो पहले एक डाउट है क्या? पहले आपको ये समझना होगा कि x का 0, x का 1, x का 2 और x का 3 कैसे रन हो रहा है। x का 0 क्या है? 0, 1, 2 है। x का 2 क्या है? 3, 4, 5 है। इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको क्या यहाँ वैल्यू मिल रहा है? 0 का 0, 0 का 2, 3 का 0 एंड 3 का 2। दैट्स इट, सिंपल। x का 0 का 0, 0 का 2, x का 0 का 0, ठीक है, फिर x का 0 का 2, फिर क्या है, x का 3 का 0 एंड x का 3 का 2। आगे आंसर 0 2 10 12। क्लियर है? क्लियर है, फॉर्म हो गया। क्लियर हुआ सबको? यस है ना? नहीं हुआ तो बता दो। अच्छा इसके बाद इफ आई राइट है ना, अगर इसको मैं ऐसा लिखा 1 से लेकर 4 तक, और या 1 से लेकर 3 तक ऐसा रन कर रहा हूँ, तो जो आउटपुट आ रहे हैं मुझे 4 5 7 8 एलिमेंट, अब ये कैसे आ रहा है? अच्छा x का वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। मैंने क्या लिखा? 1 से 4 एंड 1 से 3, तो लेफ्ट साइड है आपका रोज एंड राइट साइड कॉलम्स, बेसिकली x को जो प्रिंट कर रहा हूँ तो रोज एंड कॉलम्स। सो 1 से 4 मतलब 1 से 3 रोज है ना, 1 से 3 तो मतलब 1 2 3 है ना रोज, एंड 1 से 3 कॉलम मतलब 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। क्लियर है? अच्छा ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये 3 हो गया, तो 1 2 3 आएगा, तो x का 1 से 3 कहाँ जा रहा है? ये 1 है आपका, और 3 कहाँ तक जाएगा? ये 4 तो है ही नहीं, लास्ट आपका 3 ही आएगा, ठीक है, तो 1 2 4 मतलब जो लास्ट एलिमेंट है वहाँ तक जाएगा, क्योंकि 4 आपके है नहीं है ना, एंड यहाँ पे 1 2 3 है मतलब 1 2 2 डेट मीन कॉलम, तो यहाँ से 1 और 2 कॉलम आने वाले हैं, तो इस साइड के सारे एलिमेंट्स एलिमिनेट हो गए और ऊपर का 1 2 एलिमिनेट हो गया, सिर्फ आपको ये वैल्यू मिला, क्योंकि ऊपर का रो तो हमको चाहिए ही नहीं, हमने तो 1 से लिखा है ना। क्लियर हो गया कि आंसर कैसे आया? अभी बताओ। यस सर क्लियर है। बाकियों को क्लियर है क्या? चलो ओके, उसके बाद विल लुक ऑन टू बूलियन इंडेक्सिंग। तो बूलियन इंडेक्सिंग में क्या होता है, अभी x अभी हैव वैल्यूज 0 1 ऐसा करते हैं, अभी इफ आई राइट की x में चेक करो कि x की वैल्यू 6 से ग्रेटर कहाँ कहाँ है, तो एक एरे फॉर्म हुआ जो कि एक वैल्यू बता रहा है कि 7 8 10 11 12 ये सारे वैल्यूज हैं जो 6 से ग्रेटर है। समझ में आई बात? सिर्फ ऐसा लिख देंगे कि x इज ग्रेटर देन 6, तो एक बूलियन एरे फॉर्म हो जाएगा, जहाँ पे वैल्यूज करेक्ट है वहाँ पे यू विल गेट ट्रू, and if it is false you'll get false, so ek array will be formed that will be a boolean array, that is why we say it as a boolean array, theek hai? acha data frames so you will identify, ek chota sa example dikhata hu, तो भी एक डेटा सेट लोड हो जाएगा तुरंत, छोटा सा इट लोडेड क्विक 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 आरएस इज नॉट फाइन ओके। हाँ तो देखो अभी एक सैंपल मिल रहा है, मुझे दिख रहा है कि सिंपल लेंथ जो है उसमें एक वैल्यू 6.5 दिख रहा है, ठीक है, तो अभी आई विल आइडेंटिफाई कि ये 6.5 कहाँ कहाँ पर है,
अब मुझे तो 104 दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इफ इट इज एन एरे, कैसे एरे बनेगा इसका, df डॉट सिंपल लेंथ, तो ये एरे अभी फॉर्म करके दिया आपको, ठीक है। अच्छा नहीं हो रहा क्या, ओके 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 ओके, जस्ट अ मिनट, चलो आई थिंक सीरीज आया है ना, हाँ सिंपल लेंथ, ठीक है, चलो तो इफ वी चेक दैट दिस इज इक्वल इक्वल टू 6.5, तो आपको क्या मिला, एक एरे ही मिल रहा है अभी, सिंगल डायमेंशन एरे मिला है, ठीक है, जहाँ पे यू हैव वैल्यूज फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू आया है 147 पर, यहाँ पे 104 पर है, तो कहाँ कहाँ पे ट्रू है कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यूनिक करके आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, दैट इज नॉट, आई थिंक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो लाइक प्रिंट, या आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो df डॉट सिंपल लेंथ के वैल्यूज चेक कर लो, तो आपके एरे फॉर्म हो जाएगा जिस पे यू विल गेट द वैल्यूज। अभी 6.5, अच्छा 6 सिर्फ 6 पॉइंट कहां पर है, आप कैसे चेक करोगे, इक्वल इक्वल्स टू आप दे दोगे कि दिस इज इक्वल्स टू 6 पॉइंट, क्या हो गया कांसेप्ट एट्रीब्यूट, अच्छा दिस इज इक्वल इक्वल्स टू 6 पॉइंट, है ना, तो आपको एक एरे फॉर्म हुआ बूलियन एरे जिसमें यू विल बी हैविंग, अच्छा यहाँ पे ट्रू वैल्यू है, यहाँ पे ट्रू वैल्यू है, कितने ट्रू वैल्यूज हैं कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देन df ऑफ दिस, तो यही कॉमन सा जो मेथड है यही लगता है डेटा फ्रेम पे, तो सारे वैल्यूज आपको मिल गए जहाँ पे 6.0 है, ठीक है, तो बेसिक आपका यही है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडेक्सिंग कैसे होता है, ये इंडेक्सिंग आपको समझ में आ जाएगी, तो जब बड़े डेटा सेट पे काम करोगे तो सिमिलर वैल्यूज आप इजीली फाइंड कर सकते हो। क्लियर हो गया क्या, कोई डिफिकल्टी, इसको एडिट अभी मत समझो कि ये कैसे लिखा हमने, ये सिर्फ समझो कि इक्वल्स टू 6 लिखा है, और इसके बाद अगर डीएफ लगा रहे हैं तो क्या चेंजेस क्या आ रहे हैं, अगर ये डीएफ नहीं लगाते हैं तो व्हाट इज दी वैल्यू, देन यू आर गेटिंग अ बूलियन वैल्यू कि ट्रू फॉल्स कहाँ कहाँ है, तो कितने ट्रू हैं कितने फॉल्स हैं यू नीड टू अगेन आइडेंटिफाई, ठीक है, तो कितने ट्रू हैं अभी कम है, तो इजिली यू कैन फाइंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, आई थिंक 6 है, अभी इसको काउंट करने या वैल्यूज एग्जैक्टली देखने की कौन कौन से वैल्यूज हैं, तो आप df लिख लो, यू विल गेट द वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ 6 है, समझ में आ गई बात, तो इसी तरह से इफ दिस इज x जो कि ये सारे वैल्यूज होल्ड करता है, तो 8 से ग्रेटर कितने वैल्यूज है कैसे चेक करेंगे, x ग्रेटर देन 8 ऐसा लिख दिया, तो ये सिर्फ लास्ट के 3 वैल्यूज करेक्ट है, अभी इनको देखना है कि कौन कौन से वैल्यूज हैं, तो x आप लगा दो और आपको मिलेगा कि एरे ऑफ 10 एलिमेंट विल, क्लियर हो गया क्या गाइस, कोई डाउट है, नो सर क्लियर है ना, चलो ओके सबको क्लियर है ना, देखो इन सब में डिफिकल्टी मत रखना, बाद में प्रॉब्लम होगा, डेटा फ्रेम आप फिर डिफिकल्टी होगा, देखो वहाँ पे इंडेक्सिंग करेंगे ना, जब ये सब चीज़ें करेंगे तो फिर आप बोलोगे सर ये कैसा है, ये इक्वल्स टू 6 क्यों लिखा हमने, फिर वहाँ डिफिकल्टीज होगी, फिर इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर अलग प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, तो अभी से ये सारे बेसिक चीज़ें हैं इनको क्लियर रखना। चलो y इक्वल्स टू numpy एरे, अब देखो मैंने कहा कि np.nan लिखते हैं तो इट इज़ नॉट अ नंबर, ये नंबर इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, कोई डेटा टाइप में नहीं आता, ये नल टाइप कुछ नहीं है, ठीक है, तो अभी इसके साथ मैंने लिखा 10, 20, 30, 40, 50, ऐसा लिख दिया मैंने, अब बीच में मैं np.nan कर देता हूँ, चलो y का साइज क्या है चेक करते हैं, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, राइट, ओके, अब मुझे आइडेंटिफाई करने गाइस, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे आइडेंटिफाई करने की कितने न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, क्योंकि 9 का तो कोई टाइप नहीं होता ना, अगर चेक करें कि np.dtypeof np.nan क्या आ रहा है, कैनॉट इंटरप्रेट नैन एज अ डेटा टाइप, कर ही नहीं सकते आप, यही नहीं कोई फॉर्मेट,
ठीक है चलो मुझे बताओ कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज देखने हैं तो कैसे देखेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कॉमन सा मैथमेटिकल फॉर्मेट लगाना है बस, बताओ बताओ। सर जीरो से जो भी बड़े होंगे उनको लगा देते हैं। जीरो से बड़े होंगे तो लगा देते, चलो ठीक है, तो वाई ग्रेटर देन जीरो लिख दिया, तो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब इसको वाई से ऐसा कर देंगे, कोई डाउट होना चाहिए इस पर, नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो 10, 20, 30, 40, 50 इतने सारे नंबर्स हैं। इसका दूसरा मेथड, अच्छा बूलियन में आप किसी ने पढ़ा है क्या, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा है क्या आप लोगों ने कभी? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा नेगेशन ऐसा कुछ, ये पढ़ा होगा नेगेशन, यस सर, है ना। तो उसका यूज करेंगे, कैसे देखेंगे कि एक्स में नेगेशन ऑफ एनपी डॉट इज दैन, तो एनपी डॉट, अच्छा ऐसा चेक किए एनपी डॉट इज दैन ऑफ एक्स, तो क्या मिला, सारे फॉल्स मिल रहे क्या, एक सेकेंड, हाँ ठीक है सही है। तो नेगेशन चेक करेंगे इसका तो ट्रू आएगा, हाँ ओके। तो एक्स का कंप्लीट नेगेशन विल गिव यू वैल्यूज, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा भैया वाई वाई ना तभी तो प्रॉब्लम हो रहा था, उसमें तो नेगेशन है ही नहीं कुछ। तो ये सारे वाई में इज नैन आपको क्या मिल रहा है, ट्रू 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 ट्रू। तो कम्प्लीटली कितने वैल्यूज दिख रहे हैं आपको इज नैन में, 5, एक सेकेंड, ट्रू ट्रू हमने इज नैन लिखा है, नेगेशन लगा है सर, नेगेशन का इज नैन 5, हां नेगेशन का इज नैन, तो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, नंबर्स सॉरी है ना, मैंने नेगेशन देखा। चलो तो वाई बाहर के लगा देंगे तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे सारे, ठीक है। अगर आप नेगेशन नहीं लगाओगे तो जितने नैन नंबर्स हैं वो आपको चाहिए, अगर आपको सिर्फ नलिटीज देखना है तो आप इसको हटा दो, देख जाएंगे आपको कितने नैन नंबर्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, और सिर्फ नंबर्स देखने हैं तो नेगेशन लगा दो। इसी तरह से आप कम्प्लेक्स में भी लगा सकते हो कि कम्प्लेक्स नंबर्स नहीं देखने हैं तो कम्प्लेक्स, मान लो कि इस पे अच्छा चलो जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू एन पी डॉट एन एरे, ठीक है एक एरे क्रिएट किया, उसमें मैंने दे दिया 1, 2, 3 एंड इधर लिख दिया 4j, इधर लिख दिया 6 - 2j ऐसा लिख दिया, ठीक है फाइन। अब देखो अगर मुझे चाहिए कि x है ना एन पी डॉट इज कम्प्लेक्स, ठीक है इज कम्प्लेक्स ऑफ x लिख दिया मैंने, तो क्या मिल गया, एक एरे मिल गया जिसमें फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, तो दो कम्प्लेक्स हैं यहाँ पे दिख गया, समझ में आई बात। इसको कहते हैं बुलियन इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, तो कितने कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, 0 + 4j एंड 6 - 2j, यही कम्प्लेक्स है। अगर नहीं कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स नहीं देखने हैं तो ऐसा कर लो, तो जो बाकी जो नहीं कम्प्लेक्स है वो आपको दिख जाएंगे, तो लेकिन मिलेंगे आपको कम्प्लेक्स फॉर्मेट में ही, है ना, क्योंकि आपको पता है कि एरे में सारे कुछ फॉर्मेट सेम होते हैं नंबर्स की बात करें तो, ठीक है इतना क्लियर है ना, यस सर, है ना। चलो ठीक है तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करेंगे, कोई डाउट है किसी को, स्टॉप द वीडियो।